नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है ताहिर हुसैन को लेकर। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, जिस पर कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोप हैं। अभी दिल्ली पुलिस की हत्या भले ना चढ़ा हो, लेकिन अब ताहिर हुसैन का जो फोन है वो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के हत्या चढ़ गया है, और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ताहिर के फोन के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। ताहिर हुसैन का पूरा फोन खंगाल दिया गया है और उसमें जो जो अंदर से मिला है वो वाकई चौंका देने वाला है। पूरी खबर आपको बताऊंगा मित्रों, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि ताहिर हुसैन जैसे व्यक्तियों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब दें। साथ ही साथ ताहिर हुसैन के साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि ताहिर हुसैन वो व्यक्ति है जिसके घर से, आपको बता दूं कि पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब की थैलियां और ईंट पत्थर जैसे सामान, गुलेल सामान, मतलब जो भी दंगों वाले जो सामान थे वो ताहिर हुसैन की छत से बरामद किए गए। और ये वही ताहिर हुसैन है जिस पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। खुद आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मां, पिताजी और खुद भाई, ये कहना है कि ताहिर हुसैन ने ही उनके भाई को मारा है। तो ये ताहिर हुसैन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन ताहिर हुसैन इस वक्त भी फरार है। दिल्ली पुलिस के अभी हत्थे नहीं चढ़ा है, हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है और ताहिर हुसैन की जो जांच है, वो तलाश है, वो जोर जोर से जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन का फोन अब कपिल मिश्रा के हत्थे चढ़ गया है। मित्रों आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा ने आज एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, और कपिल मिश्रा का यह कहना है कि ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया के पास हैं। एक ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अंकित शर्मा की हत्या वाले दिन ताहिर हुसैन घर पर ही था, ताहिर ने भी झूठ बोला और संजय सिंह ने भी। दंगों और हत्या के बीच ताहिर हुसैन ने संजय सिंह, केजरीवाल और अमानतुल्ला खान से 50 से ज्यादा बार बात की, मीडिया में सन्नाटा क्यों? दरअसल कपिल मिश्रा का यह गुस्सा इसलिए है, और मीडिया पर सवाल उन्होंने इसलिए वजह से इकट्ठे किए या इस वजह से मीडिया पर सवाल उठाए, क्योंकि मित्रों आपको बता दूं कि जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें यह खबर आपको नहीं मिल रही होगी और उसमें यह सवाल नहीं उठाए जा रहे कि ताहिर हुसैन के फोन से जब यह जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है कि ताहिर हुसैन कई घंटों तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में था, संजय सिंह से भी उसने बात की, केजरीवाल से भी उसने बात की, मनीष सिसोदिया से भी उसने बात की और अमानतुल्ला खान से भी उसने बात की। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस खबर को मीडिया दबा क्यों रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ताहिर हुसैन का कहना यही था, जब ताहिर हुसैन ने अपनी सफाई पेश की तो ताहिर हुसैन का कहना यह था कि मेरे घर पर एक दंगाई भीड़ आ गई और उसने मेरे घर को जो है कब्जे में ले लिया और मैं दंगों के वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन ताहिर हुसैन के फोन ने सच्चाई बयां कर दी और ताहिर हुसैन के फोन से यह बात निकलकर सामने आई है, ताहिर हुसैन के फोन की लोकेशन से यह बात निकलकर सामने आई है कि जिस वक्त दंगे चल रहे थे दिल्ली में, उस वक्त ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से लगातार संपर्क में था। आपको बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना यह है कि ताहिर हुसैन के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने पर यह सामने आया है कि हिंसा के दौरान उसने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से काफी देर तक बात की थी और इसके अलावा उसने अपने मीडिया सलाहकार और पीए से भी बात की थी। हिंसा के दौरान उसका मोबाइल फोन लगातार चल रहा था और मोबाइल लोकेशन से यह पता लगा है कि हिंसा के समय वो अपने घर पर ही मौजूद था, ये कहना है अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी का। तो अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी का सीधे सीधे यह कहना है कि न सिर्फ उसने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात की, बाकी बल्कि कई घंटों तक उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात भी की है। और यही बात अब कपिल मिश्रा सीधे सीधे कह रहे हैं। कपिल मिश्रा का सीधे सीधे कहना है कि अंकित शर्मा की हत्या वाले दिन ताहिर हुसैन घर पर ही था, ताहिर ने भी झूठ बोला और संजय सिंह ने भी। दंगों और हत्या के बीच ताहिर हुसैन ने संजय सिंह, केजरीवाल और अमानतुल्ला खान से 50 से ज्यादा बार बात की है, मीडिया में सन्नाटा क्यों? मित्रों आपको बता दूं
कि ताहिर हुसैन जिस तरीके से ये लगातार कह रहा था कि मैंने किसी से बात नहीं की और मैं उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था, इस बात का पर्दाफाश हो चुका है, इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है ताहिर हुसैन के फोन से। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी भले निकाल चुकी हो, आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन पर, ताहिर हुसैन की छत से जो मलबा मिला या मैं कहूं कि जो बवाल का जो सामान मिला, हिंसा का जो सामान मिला, उसको देखने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद अमानतुल्ला खान का एक ट्वीट आता है और अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए दिखते हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए दिखते हैं। तो यही बात कपिल मिश्रा सीधे सीधे कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन और संजय सिंह दोनों ने झूठ बोला था। दरअसल आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन जिस वक्त अपनी सफाइयां पेश कर रहा था, उस वक्त संजय सिंह का एक ट्वीट आता है और संजय सिंह कहते हैं कि ताहिर हुसैन अपनी बेकसूरी का सबूत दे चुका है और वो चार लाइनें ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन अंत में लाइन में, अंत की लाइन में कहते हैं कि अगर ताहिर हुसैन भी दोषी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तो इस बात पर कपिल मिश्रा ने लगातार सवाल दागे हैं और सवाल दूसरा यह भी कि आखिर मीडिया में इतना सन्नाटा है क्यों, मीडिया इस बात पर चुप्पी क्यों साधा हुआ है। आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन के घर से खबरें ऐसी आई, जिस वक्त दिल्ली में दंगा भड़का उस वक्त ताहिर हुसैन के घर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3000 से ज्यादा दंगाई ताहिर हुसैन की इमारत में मौजूद थे। ताहिर हुसैन के छत पर, छत को जब खंगाला गया तो छत पर पेट्रोल बम पॉलिथिन में भरकर तेजाब, और तेजाब भी ऐसा वैसा नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि सबसे घातक तेजाब होता है, पॉलिथिन में भरकर वो तेजाब मिला। ईंट पत्थर, ईंट पत्थरों को मारने के लिए गुलेल, पेट्रोल बम की कई क्रेट, तो ये सब कुछ मिला ताहिर हुसैन के घर की छत से। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि ताहिर हुसैन अगर अपने घर पर मौजूद नहीं था तो इन सब बवाल को छत पर लेकर कौन आया। और इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन की इमारत से एक लड़की के अंडरगारमेंट्स, एक लड़की के कपड़े और एक लड़की का जला हुआ पर्स भी मिला है। इसके साथ ही ताहिर हुसैन के घर के बाहर जो नाला था वहां से एक लड़की की लाश भी मिली है। तो कह सकते हैं कि ताहिर हुसैन की इमारत में एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की गई, एक लड़की के साथ कुछ अनहोनी भी हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन सीधे सीधे अब ताहिर हुसैन जब फंसता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल यह होता है कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह या अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और ऐसे में जब यह बात साफ हो जाती है कि ताहिर हुसैन लगातार इन लोगों से फोन पर संपर्क में था दंगे वाले दिन भी, और जैसा कि कपिल मिश्रा का कहना है कि 50 से ज्यादा बार बात की है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ताहिर हुसैन को फोन पर सारे संदेश मिल रहे थे और उसके जो ये आका बैठे हैं, चाहे फिर वो केजरीवाल हो, चाहे फिर संजय सिंह हो और चाहे फिर अमानतुल्ला खान, ये ताहिर हुसैन के आका थे जो ताहिर हुसैन को पूरा ज्ञान दे रहे थे, ताहिर हुसैन को दिशा निर्देश जारी कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे दिल्ली को जलाना है। तो मित्रों ये खुलासा हुआ है ताहिर हुसैन के फोन से। आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा लगातार ताहिर हुसैन के फोन पर दबाव दे रहे थे और 27 फरवरी को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और 27 फरवरी को ही कपिल मिश्रा ने कहा था कि डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर दंगों के दिन की ताहिर हुसैन के फोन कॉल्स की डिटेल्स खुल गई तो दंगों में और अंकित शर्मा की हत्या में संजय सिंह और केजरीवाल दोनों की भूमिका साफ नजर आ जाएगी। यह 27 फरवरी को कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था और अब यह ट्वीट सच साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी का यह खुलासा है कि ताहिर हुसैन का फोन न सिर्फ दंगों वाले वक्त ताहिर हुसैन न सिर्फ अपने घर पर मौजूद था बल्कि उसने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से कई घंटों तक बात भी की थी और कई फोन कॉल्स किए गए थे संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अमानतुल्ला खान, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी शामिल थे। तो यह बात साफ हो जाती है कि ताहिर हुसैन लगातार अपने आकाओं से संपर्क में था और लगातार उसे दिशा निर्देश मिल रहे थे कि आखिर दिल्ली को जलाया कैसे जाए। आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन अभी फरार है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस इसके लिए दबिश दे रही है। एनसीआर के समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं और ताहिर हुसैन की जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि आज ही शाहरुख खान को भी पकड़ा गया है,
शाहरुख खान, जिसने कि पुलिस पर 8 राउंड फायरिंग की थी और फरार हो गया था अपने परिवार समेत। हालांकि यूपी की क्राइम ब्रांच टीम ने उसे धर दबोचा है और अब शाहरुख खान से भी ताहिर हुसैन के बारे में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि आपको बता दूं कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि सिरसा में ताहिर हुसैन के भाई और शाहरुख खान को एक शादी में एक साथ देखा गया था। तो माना ये जा रहा है कि शाहरुख खान से भी पुलिस ताहिर हुसैन के बारे में जानकारी ले सकती है। खबरें यह भी आ रही हैं कि जामिया नगर इलाके में भी ताहिर खान छुपा हो सकता है। तो मित्रों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।